तो बच्चों माय नेम इज सीपी गुप्ता, आपका फिजिक्स टीचर। आज अपन कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। वो एग्जांपल्स होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड, जो कि मैंने आपको पिछले दो लेक्चर्स में बताए थे। एक तो आर्क वाला आपको बताया था और दूसरा मैंने इन्फिनिटी रोड वाला आपको बताया था, सॉरी रोड वाला बताया था। रोड की वजह से फॉर्मूला दोनों निकल फॉर्मूला निकाला था अपन ने, रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आया था अपना के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और एक फॉर्मूला आया था के लैम्डा अपॉन आर कोस बीटा माइनस कोस अल्फा। और सिमिलर फॉर्मूला जी किसके लिए आए थे अपने, सेमी सर्कुलर आर्क के लिए आए थे। तो सबसे पहले तो उन दोनों फॉर्मूलाज को मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अपन ने ध्यान दिया हो तो ये एक चार्ज वायर था, है ना, और इससे अपन इससे व्हाट इज आर, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। तो मैंने आपको बताया था इधर फॉर्मूला और एक इधर, है ना, ये ई एक्स था, ये था के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है, और एक ई वाई आया था, ये आया था के लैम्डा अपॉन आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, क्लियर। ये तो एक फॉर्मूला आया था, सिमिलर फॉर्मूला आर्क के लिए आया था ना, आर्क के लिए भी ऐसा ही कुछ फॉर्मूला था, आर्क के सेंटर पर निकाल रहे थे पर। ये आर्क है, ये इसका सेंटर है, सेंटर पे एक जो एंगल जो टॉप बना रहा था ये एंगल अपन ने अल्फा बोला था, और जो बॉटम बना रहा था इस एंगल को अपन ने बीटा बोल दिया था। इसमें भी वही थे, इधर ई एक्स था और नीचे की तरफ ई वाई था। तो सबसे पहले तो देखो इसका और इसका फॉर्मूला ही सेम है, है ना, तो अपने को एक फॉर्मूला याद रहेगा तो बाकी दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्या है इसका फॉर्मूला, के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और ई वाई का फॉर्मूला भी सेम है, के लैम्डा अपॉन आर, आर इसकी रेडियस हो गई है ना, इस केस में जो आर है वो इसका रेडियस है और वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बस इतना सा फर्क है। और ये हो जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो इन ये दो फॉर्मूलाज हैं, इन दोनों पे अपन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस पे प्रॉब्लम ले लेता हूं, फिर इस पे प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम चार से पांच प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे आसान आसान। एग्जाम्पल नंबर वन, सबसे पहला एग्जाम्पल, इफ द रोड have infinite length, अगर रोड की इनफाइनाइट लेंथ हो, इनफाइनाइट लेंथ इधर है ना, और इस पॉइंट पे अपने को, ठीक है, ये वाला एंड तो क्लोज्ड है और ये वाला एंड इंफिनिटी की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, समझ में आया। तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, या सबसे पहले एक काम करते हैं, दोनों ही एंड इंफिनिटी की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। द बोथ हैंड्स आर मूविंग टुवर्ड द इंफिनिटी, ठीक है। इफ द लेंथ, इफ द रोड हैव इनफाइनाइट लेंथ, अगर रोड का इन्फिनिटी लेंथ हो तो, भैया बिल्कुल सिंपल है ये ट्रिक, आपको स्पेशल है। देखो बच्चों, ये जो एंगल था, ये एंगल था अल्फा, और ये जो एंगल था, ये एंगल था बीटा, ठीक है। अब जैसे जैसे रोड नीचे की तरफ चलती जाएगी, इस बीटा की वैल्यू लगातार इंक्रीज होगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाएगा। सोचो ये और नीचे होता तो ये एंगल और ज्यादा बड़ा होता, ये और ज्यादा, ये पॉइंट और नीचे जाता तो एंगल और बड़ा होता। तो जब ये इन्फिनिटी पे चला जाता तो ये बीटा अप्रोक्स कितना हो जाता, 90 डिग्री। सिमिलरली ये वाला एंड अगर इन्फिनिटी पे जाए तो ये अल्फा की वैल्यू लगातार इंक्रीज होती जाएगी, और इन्फिनिटी पे जाएगा तो भैया बहुत आगे चला जाएगा, तो ये अल्फा भी अप्रोक्स कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम जब कहते हैं ना इफ द रोड हैव इंफिनिटी लेंथ, तो
इन्फिनिटी लेंथ अगर है रोड की तो अल्फा और बीटा बोथ बिकम 90। तो बस ये पॉइंट याद रखना, अगर ये दोनों ही तरफ इन्फिनिटी है तो ये जो एंगल होता है ना कौन सा अल्फा, और ये जो एंगल होता है कौन सा बीटा, दोनों कितने हो जाएंगे 90 90। तो अल्फा बिकम 90 एंड बीटा बिकम 90। क्यों? क्योंकि भाई सीधी बात है, ये तो यहाँ पे है, अगर ये पॉइंट और नीचे जाएगा इन्फिनिटी तक पहुंचेगा, इन्फिनिटी तक पहुंचेगा तो बीटा की वैल्यू लगातार बढ़ता चला जाएगा और इन्फिनिटी पे बीटा अप्रोक्स 90 हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 90 रख देंगे। अब ये होता है ex और ये होता है ey। ex का फॉर्मूला आपको पता है, होता है के लैम्डा अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 90, और साइन 90 साइन 90 वन और वन टू, तो बन जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर। ey फॉर्मूला पता ही है, के लैम्डा अपॉन आर कोस 90 माइनस कोस 90, फॉर्मूले पता है ना ex और ey के। ex का फॉर्मूला क्या था याद है? के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और ey का फॉर्मूला क्या है? के लैम्डा अपॉन आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ये दोनों फॉर्मूले मैं पहले बता चुका हूँ कई बार, ठीक है। कॉस 90 कॉस 90, तो ey कितना हो जाएगा बच्चों? 0, ठीक है। अब आता है केस नंबर 2। इसका एक एंड तो फिक्स हो और एक एंड इन्फिनिटी की तरफ चला जाए, क्या बोल सकते हैं? ये एंड तो जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ और ये एंड फिक्स है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले आपसे, निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल ले। देखो आप सोचो कि इसमें कौन सा एंगल लगातार इंक्रीज होगा, अल्फा। इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो अल्फा की वैल्यू लगातार ऐसे इंक्रीज होगी, देखो थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो और अल्फा ऐसा बढ़ता चला जाएगा, और मैक्सिमम इन्फिनिटी में जाएगा तो अल्फा मैक्सिमम 90 हो जाएगा, तो अल्फा तो हो जाएगा 90। और बीटा देखो यहां, अगर ये वायर यहां पे होता तो बीटा कुछ होता, ये पॉइंट अगर यहां पे चला गया तो बीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई। इसमें बीटा है ही नहीं ना, इसमें तो बीटा है क्योंकि ये पॉइंट नीचे खिसकता जा रहा है इन्फिनिटी की ओर, लेकिन इसमें बीटा कितना है? 0। तो इसमें ex क्या आएगा? k lambda upon r sin 90 plus sin 0 sin 91 sin 0 0 बन जाएगा k lambda upon r 1 plus 0। क्लियर? और ey क्या हो जाएगा बताओ? ey होगा k lambda upon r cos beta minus cos alpha, beta 0 alpha 90, तो बन जाएगा k lambda upon r cos beta की वैल्यू 0 minus cos 90, cos 90 हो गया 0, cos हो गया, तो ये बन जाएगा k lambda upon r, this is the ey। क्लियर? कोई दिक्कत? इधर होता है क्या ex और नीचे की तरफ होगा ey, ठीक है। तो ex कितना है बच्चों? k lambda upon r, देखो ex कितना आया है, इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आ रहा है k lambda upon r, लेकिन डायरेक्शन क्या? i cap, तो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, कौन सी फॉर्म में? वेक्टर में। और ey नीचे की तरफ है तो ey क्या होगा? k lambda upon r minus j cap, रिजल्टेंट आता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ex plus ey, ex k lambda upon r i cap, ey इस j cap को इधर ले लेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको? ey को minus k lambda upon r j cap। क्लियर? अब मैग्नीट्यूड भी आता है कि निकालना? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर का अंडर रूट, k लैम्डा अपॉन r का स्क्वायर प्लस k लैम्डा अपॉन r के स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे,
तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। तो आई होप सो ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर वाई डायरेक्शन में जीरो आ गया था फर्स्ट एग्जाम्पल में। सेकेंड एग्जाम्पल जो है उसमें केस सेकेंड है कि ये वाला वायर यहाँ से तो फिक्स है लेकिन ऊपर की तरफ इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो इस केस में अल्फा 90 हो जाएगा एंड बीटा जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और डिस्कस करवा देता हूँ भाई, अब की बार रिंग का ले लेते हैं, ठीक है। दो एग्जाम्पल रिंग पे, मान लो ये ऐसी रिंग है, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग है, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, चार सेमी सर्कुलर रिंग है, इसके सेंटर पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सॉल्यूशन आपको पता है। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा और एक इसमें, एक होगा ई एक्स और एक होगा ई वाई। तो ई वाई अपन ने डेरिवेशन याद करो, इसके डेरिवेशन में इधर तो जो आया था वो आया था ई एक्स, इधर ई वाई। ये जो लाइन थी ये थी आर, ठीक है, सेमी सर्कुलर है, तो ये वाला एंगल था अल्फा और ये वाला एंगल है बीटा, सही है भाई। हमेशा एंगल इस आर वाली लाइन से देखते हैं, ध्यान दो, एंगल इससे मेजर करते हैं आर वाली लाइन से। तो ये एंगल कितना, अल्फा, ये एंगल बीटा, तो इस केस में अल्फा भी 90 एंड बीटा भी 90, आंसर आ जाएगा ई एक्स के लैम्डा अपॉन आर साइन 90, साइन 90, साइन 91 और 1 2, तो बन गया 2 के लैम्डा अपॉन आर। ई वाई, ई वाई है के लैम्डा अपॉन आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, बीटा और अल्फा इक्वल है, तो ई वाई कितना आएगा, क्यों, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ये अपन ने एक सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अब मान लो सेमी सर्कुलर आर्क की जगह ये 3/4 आर्क हो तो कैसे होता, तो भी इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं, ध्यान दें। मिटा दो इस एग्जांपल को, मान लो कि इस बार जो है वो कुछ ठीक है, ये सिचुएशन है, यानी कि ये आर्क है, और ये कैसी है, चार्ज्ड है। इसके सेंटर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहां पर, इस पॉइंट पी पर। तो इसका सॉल्यूशन मैं देखो, इसका सॉल्यूशन बड़े इंटेलिजेंट तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना, कैसे देखेंगे, बहुत सिंपल तरीका है, देखो बच्चों, इसको एलिमेंट बोल देते हैं, ए बी सी एंड डी। ए बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर,
और सीडी की वजह से होगा इधर। तो यूं बोल सकते हैं कि जितना इस एबी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सेम के सेम अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सीडी प्रोड्यूस करेगा। एबी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, सीडी भी पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे होगा। तो ये एबी की वजह से होगा और ये सीडी की वजह से होगा, माना। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। तो यानी यूं समझे कि इतना पोर्शन इसका और इतना पोर्शन इसका क्वेश्चन में हट गया। क्यों? क्योंकि ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे और ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी डी, ये एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो फिर अपना नेट एलिमेंट कितना बचेगा? बी सी। कितना बचेगा? बी इंटू सी, ठीक है। तो बी सी एलिमेंट बचेगा, इस बी सी एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। कैलकुलेट करना बताएं, अपना एलिमेंट कौन सा बच गया? बी सी। तो यानी कि ये वाला पोर्शन बच गया, ये बी और ये सी, ठीक भाई। इसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर लेते हैं, इसको बोलते हैं ई एक्स, इसको बोलते हैं ई वाई, ठीक है। इस डिस्टेंस को बोलते हैं आर। तो ये जो एंगल है ना, ये है बीटा, और बीटा हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? क्योंकि बीटा एंगल हमेशा किससे मेजर करेंगे? इस लाइन से, जो कि आर वाली लाइन है। आर ये है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने आर ऐड कर लिया। तो ये जो एंगल है ये बीटा है, बीटा हो गया 90 और अल्फा हो गया 0 डिग्री। आंसर सीधा आ जाएगा। तो ई एक्स क्या था? के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यूं बोल सकते हैं के लैम्डा अपॉन आर साइन 0 प्लस साइन 90, साइन 0 0, साइन 91। सॉल्व करेंगे तो ई एक्स कितना आएगा भाई? के लैम्डा अपॉन आर, साइन 90 का वैल्यू था 1, तो ये आ गया ई एक्स। और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई एक्स आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर आई कैप। क्लियर? अब इसके बाद अपन वाई डायरेक्शन में निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? ई वाई। EY क्या होगा? EY का फॉर्मूला बता रखा था मैंने, K लैम्डा अपॉन R cos बीटा माइनस cos अल्फा। K लैम्डा अपॉन R cos बीटा cos 90 माइनस cos अल्फा 0। तो इट बिकम K लैम्डा अपॉन R, ये हो गया 0 माइनस 1, तो बनेगा माइनस K लैम्डा अपॉन R इज इक्वल टू EY। अपन ने ई वाई की डायरेक्शन किधर लेट लगकर रखी है? नीचे की तरफ। तो ई वाई का वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई वाई इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा अपॉन आर माइनस जे कैप, माइनस और माइनस प्लस, तो ई वाई आ जाएगा भाई के लैम्डा अपॉन आर जे कैप, ठीक है। तो ये ई वाई आ गया और ये ई एक्स आ गया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सबको निकालना आता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल लेंगे? E इज इक्वल टू क्या होगा? ई एक्स प्लस ई वाई, इनको सब कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस इसमें आपको अल्फा और बीटा बहुत तरीके से रखना है। और जो फॉर्मूला मैंने बताया कि ई एक्स हमेशा इधर लेंगे और ई वाई हमेशा इधर लेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करके आप हमेशा कभी कोई गलत आंसर नहीं निकालेंगे, बिल्कुल क्लियर है। वैसे इसका एक थॉट प्रोसेस और बता देता हूँ मैं आपको, सुनो। देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। कौन से में आएगा? इधर, इसमें आएगा। इस क्वाड्रेंट में ई एक्स भी पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है ना। तो एक तो ये होगा कंपोनेंट और एक कंपोनेंट ये होगा। तो देखो, ई एक्स तो आया है आई कैप, ई एक्स आई कैप इधर होगा, और ई वाई आया है जे कैप। देखो, ये पॉजिटिव आया ना ये वैल्यू, तो मतलब ई वाई इधर होगा, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अल्टीमेटली इधर आएगा इस क्वाड्रेंट में। तो इसी के साथ ये लेक्चर फिनिश। थैंक यू वेरी मच।